वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मैडनेस। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मजे में भी होंगे। फॉर मोर डिलीशियस एंड ट्रेडिशनल रेसिपीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। हमारे आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पैगेटी को बॉईल कैसे करते हैं कि बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, बिल्कुल ढह ना जाए और बिल्कुल फ्रेश सा अलग अलग सा लुक आए उसका। तो उसके लिए हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन अगर स्पैगेटी ख़राब हो जाए तो आपका पूरा चाइनीज़ जो चाउमिन वगैरह हम बनाते हैं या फिर नूडल्स वगैरह हम बनाते हैं या कुछ भी हम बनाते हैं वो ख़राब हो जाता है। मैक्रोनीज़ ले लें आप, तो सबको इसी तरीके से हमने बॉयल करना है। मैंने इस पर एक स्पैगेटी का पैकेट ले लिया है और उसके मैंने बीच में से दो टुकड़े कर दिए हैं। और अगर आप मैक्रोनी वगैरह लेंगे तो वो ऑलरेडी ऐसा हुआ हुआ होता है। मैंने हाफ पतीली में पानी लेकर और जो है उसे नीम गर्म कर लिया था और अब मैं तमाम स्पैगेटी जो मैंने दो टुकड़ों में तकसीम की थी इसमें डाल दूँगी पैन में। मुझे ये वीडियो बनाने का ख्याल ऐसे आया क्योंकि काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं फेसबुक पर मैं होती हूँ तो वहाँ पर काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि मेरी स्पैगेटी जो है स्टिक हो गई है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई है, तो मैं कैसे बॉयल करूँ उनको। ऑल दो हम रिटर्न में रेसिपी बता देते हैं, लेकिन एक दफ़ा वो लाइव देखने की या फिर वीडियो लिंक के थ्रू देखने की बात थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। हार्डली 8 से 10 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे ऑन मीडियम फ्लेम और फिर मैं इसको ये कट करके देखूंगी कि ये गल चुका है या नहीं। मुझे ज़्यादा इसको नहीं गलाना क्योंकि हल्का सा चाउमिन बनाते वक्त या नूडल्स बनाते वक्त वो जो है दम पे भी जाता है। इसके बाद जो है मैंने इसका तमाम गर्म पानी रिंस कर दिया। 1 टेबल स्पून जो सॉल्ट डाला था मैंने वो इसीलिए डाला था कि मुझे पता है कि पानी रिंस हो जाएगा, तो मुझे इसमें माइनर सॉल्टेज टेस्ट चाहिए था। मैंने ठंडा पानी इसके अंदर बहुत सारा डाल रही हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चिल हो जाए। अब ये इतना चिल हो चुका है कि मैं इसे हाथ से भी रिंस कर सकूँ। ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, देन मैं इसमें डालूँगी 2 खाने के चमचे ऑयल और फिर मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। आप देख रहे हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ और अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये आधे घंटे बाद का रिज़ल्ट है और ये स्पैगेटी देख लें बिल्कुल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।